साइलेंट चिल्ड्रन, जैसा कि अभी हम वस्तुओं से रिलेटेड और जो हमारे जीवन में चीज़ें उपयोग होती हैं, देखने में आती हैं, उनसे रिलेटेड आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम अपने तीसरा जो है अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम जिस स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे वो लेट कर करेंगे, उसको बोलते हैं गतिशील पश्चिम उत्तानासन। लेकिन सर्वप्रथम हम तीन बार ओमकार से कक्षा का शुभारंभ करेंगे। अपने आंखों को बंद कर लें, क्लोज योर आइज, ओपन योर हैंड्स। एक स्ट्रेचिंग हम करेंगे पैर फैलाकर, उसके बाद हम गतिशील पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से पैर फैला लीजिए, हाथों को ऊपर रखिए, रुक कर रखिए और हाथों को ऊपर कर खींचिए। धीरे से वापस अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें, पैरों को फैलाएं और इस तरीके से सामने की ओर अपना फेस रखें। धीरे से अब हम गतिशील पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए क्या करना है, अपनी जगह पर पूरे तरीके से लेट जाइए, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं इस तरीके से, फिर अपनी जगह पर उठकर बैठे, फिर आगे की ओर झुके, फिर आगे को सीधा करें, फिर लेट जाए, फिर उठे, झुके, फिर हाथों को ऊपर करें, फिर लेट जाए, फिर उठे, आगे की ओर झुके, हाथों को ऊपर करें, लेट जाए। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, तरीके से देख लें। गुड, अपनी जगह पर बैठ जाए, आंखें बंद रखें, रिलैक्स, आज हम जिस जिन आसनों का अभ्यास करेंगे उसमें सर्वप्रथम धनुरासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारे शरीर की आकृति धनुष के समान बनती है। अपनी जगह पर लेट जाएंगे,
और इस तरीके से अपने पैरों को पीछे से मोड़े और इस तरीके से उठा वापस। अब डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, धीरे से वापस। अब हम सुदिशासन में भी करने से हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि थोड़ा सा टफ आसन है, तो कुछ रिलैक्स करेंगे। जैसा कि आपने देखा इस आसन को करने से हमारा पृष्ठ भाग, पीछे की जो कमर है वो खिंचती है, और हमारे दोनों पैर जब हम पकड़ के खींचते हैं तो हमारे थाइस, हमारी कमर, हमारे बटक्स और हमारे कंधे, इन सभी में खिंचाव होता है, ये बलशाली बनते हैं, मजबूत बनते हैं। और कमर से रिलेटेड या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड अगर कोई दर्द या समस्या है तो वो भी इस आसन को करने से दूर होती है। और जैसा कि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे शरीर की आकृति धनुष के समान बनती है, इसलिए इस आसन को धनुरासन कहते हैं। तो इस आसन को करने के बाद अब हम जिस आसन का अभ्यास करेंगे उसको बोलते हैं सुमेरु आसन। सुमेरु पर्वत को भी कहा जाता है। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति पर्वत के समान होती है। एक बार देख लेंगे किस तरीके से करना है। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को ऐसे झुकाते हुए सामने की ओर, आगे की ओर इस तरीके से झुकें, कमर उठी हुई रहेगी ऐसे, और सिर अंदर की ओर। उठकर खड़े हो जाए, पुनः करेंगे। वापिस अब सामने की ओर करेंगे इस तरीके से, आगे को झुके ऐसे, धीरे से वापस दोबारा करें, आगे को झुके धीरे से वापिस। अब हम जिस आसन का अभ्यास करेंगे उस आसन का नाम है त्रिकोण आसन। मतलब त्रिकोण, त्रिभुजाकार आकृति हमारे शरीर की बनती है, जैसे त्रिभुज होता है, तो दोनों हाथों को इस तरीके से फैलाएंगे और इस तरीके से अपने राइट लेग को पकड़ लेंगे और झुकेंगे। पैरों की आकृति त्रिभुज के समान बनती है। धीरे से वापस इसी प्रकार लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे, वापस आएंगे फिर झुकेंगे। सीधे हो जाएंगे फिर वापस आएंगे। सीधे
सीधे हो जाएंगे, फिर झुकेंगे धीरे से वापस। जैसा कि आपने देखा इस आसन से हमारे चेस्ट, हाथ, हमारे पैर, कमर और हमारे पेट सभी की एक्सरसाइज होती है। और जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे शरीर की आकृति त्रिकोण के समान बनती है। अब इसी त्रिकोण आसन में एक दूसरा त्रिकोण आसन है जिसमें हाथ सामने की ओर रहेगा, फेस भी सामने की ओर रहेगा। इस तरीके से पैरों को फैलाएंगे और ये पैर के पास आपको रखेंगे और इस तरीके से ऊपर की ओर अपने हाथ की तरफ देखेंगे। फिर इस तरफ झुकेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। सीधे हो जाएंगे, फिर इस तरफ झुकेंगे, फिर इस तरफ, सीधे हो जाएंगे धीरे से वापस। अब हम अपनी कक्षा का समापन स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर को ले जाएं। ये स्ट्रेचिंग भी और एक आसन भी है, बालहस्तासन। और आगे को जितना झुक सकते हैं झुकें और रुके रहें। धीरे से पीछे की ओर झुकें। अब हम पांच मिनट के लिए अपनी जगह पर, जैसा कि आप हर आसन के बाद, हर क्लास के बाद बैठते हैं, पांच मिनट प्राणायाम करें, शांत बैठें, श्वास प्रश्वास करें, हो सके तो 11 बार ओंकार करें, नहीं तो 3 बार ओंकार करें और अपनी कक्षा का समापन करें। क्लोज योर आइज, ओपन योर हैंड्स। Silent children, thank you.